ट्रीटमेंट ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कॉग्नेटिव बिहेवियल अनालिसिस सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ वी कैन ट्रीट द चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ कॉग्नेटिव बिहेवियल अनालिस सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी सो जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कॉग्नेटिव बिहेवियरल, इंटरपर्सनल एंड साइकोडायनामिक थेरेपीज़ की सो इफ यू सी दैट इन अ वन मोडालिटी वी आर कंबाइनिंग द फोर डिफरेंट मोडालिटीज़ इन अब इन चारो, चारों चारों मोडलिटीज़ को एड इन करने का मकसद ये है कि जो बच्चे का प्रॉब्लम है द चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम एंड विल एबल टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट इवेंट्स वट एवर इज़ हैपनिंग इन हर लाइफ ठीक है तो सबसे पहले जो तीन टेक्निक्स हैं जो कि हम इसके अंदर यूज करते हैं उनमें नंबर वन है सिचुएशनल अनालसिसिस सो so, जिस वक्त हम सिचुएशनल एनालिसिस की बात करते हैं हम बात यह करते हैं कि द चाइल्ड शुड बी एबल टू एनालाइज द सिचुएशन के उस सिचुएशन में हुआ क्या था ठीक है तो जब हम उसको कॉर्गनेटिवली इस तरह से सिचुएशन को समझाते हैं कि द चाइल्ड विल एबल टू गेट द इनसाइट दैट व्हाट द प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट इन दैट सिचुएशन तो वो चीज़ चाइल्ड को हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड हिज और हर हन थॉट प्रोसेस न uh, हम उसके साथ काम करते हैं इंटरपर्सनल डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज़ करते हैं अब ये बेसिकली चीज़ क्या है इसमें हम बच्चे को ये दिखा समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके कौन से रिलेशन ऐसे ऐसे हैं जिनमें uh, जो उसका रिलेशनशिप है वो हेल्दियर है और कौन से रिलेशनशिप ऐसे हैं जो कि अनहेल्दियर हैं और किस तरह से जो अनहेल्दियर रिलेशनशिप है उनको हमने रिलेशनशिप के अंदर हेल्थियर uh, रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट करना है ठीक है तो जिस वक्त वो सिचुएशनल एनालिसिस करेगा उसकी एनालिटिकल एबिलिटी बेटर होगी तो उसके हेल्प से हम उसका जो बिहेवियर है उसको हम चेंज कर सकते हैं और जो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं इसके लिए हम उसे बिहेवरल स्किल्स ट्रेनिंग देंगे जिसके अंदर हम उसको सोशल स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसमें वो डिफरेंट रोल्स uh, जो है उनको वो हमारे साथ रिहर्स कर सकता है ताकि अगर उसको इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर रिलेशनशिप मेंटेन करने में किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जो रिलेशनशिप है उसको हम स्मूथ कर सकें तो इन तीनों जो टेक्निक्स हैं इनको हम कंबाइन करके जब हम एक बच्चे के साथ यूज़ करते हैं तो इट शोज़ के सर्टेन टाइम जो उसका रिलेशनशिप के इश्यूज हैं उनके ऊपर वर्क करने से द चाइल्ड फील बेटर एंड इम्प्रूवड हिज हर सोशल स्किल्स थैंक यू